अब कोई बोलता है हम कसाई हैं तो वो कसाई होंगे भाई, हम लोग तो कसाई नहीं है। अब हमारे हाथ में ठेक नहीं है तो मतलब हम अनाली हैं। उनको यही कहेंगे ना यार, जब आप जानवर ला रहे हो 2 लाख रुपए का तो 30,000 रुपये कटाई देने में आपका क्या जा रहा है, आप कटवा रहे हो 15,000 में तो वो तो जुलूम है, ज्यादती है। मोहम्मद ईशान कमेलदार में वो फर्क होता है, कमेलदार कमेले का काम करता है, गोश्त वाले गोश्त का काम करते हैं। आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं? कमेलदार का काम ये है, खड्डी मारी, सल्ला मारा, खाल उतारी, 4 पीस कर दिए, बोट ही नहीं बनाता वो, उसका काम ही खाल उतारना बस। फिर बांध के जीवा करना चाहिए, मगर अमूमन ये है बकरीद का दौरान ऐसा है, बट जो कारीगर लोग होते हैं वो ऐसे ही ले लेते हैं, जो अनाली होते हैं वो सब बांधते हैं। कारीगर आदमी हमेशा बांधेगा नहीं, क्योंकि वो बांधने में टाइम लगता है, फिर जानवर भी होशियार हो जाता है, इस वजह से ऐसे ही ले लेते हैं खड्डी में। क्या कहेंगे, हर आदमी का सीजन है, हर आदमी मार रहा है, जो पैसे पूरे नहीं देगा, जिनको सस्ते में कटवाना वो हर आदमी से कटवाएगा, सब्जी वाले से भी कटवा लेगा, पान वाले से भी कटवा लेगा, मुर्गी वाले से भी कटवा लेगा। तो ये अजियत तो आप दिलवा रहे हो ना, आप जानवर ला रहे हो 2 लाख रुपए का, कटाई तुम दे रहे हो 10,000 रुपए। नहीं, नमाज क्या में भी कारीगर हैं, ऐसी बात नहीं, अनाली है, वहाँ पे अनाली भी है, यहाँ पे भी अनाली है, वहाँ भी मैं मतलब कुरेशी हैं, यहाँ भी कुरेशी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे मतलब आप लोगों से माल जीबा कराओगे, ऐसे जैसे पैसे दोगे ऐसा माल जीबा होगा। कसाब होते हैं जेनियन लोग, जो खानदानी काम है, बिरादरी काम है, कुरेशी होगा। अब कोई बोलता है हम कसाई हैं तो वो कसाई होंगे भाई, हम लोग तो कसाई नहीं है, नवाब शाह में कसाई, हम कसाब है, कुरेशी है, जैसा माल होगा ऐसे पैसे लेंगे। 4 मन बच्चे के 40,000, 15 मन बच्चा होगा 70,000, 60,000 रुपये। रेट क्या घुलता है, जिसका जैसा काम होता है, जिसको जो पसंद आता है वो पैसे देता है। मैं इंग्लिश बूट हाउस वालों का माल काटता हूँ, जैसे मैं पैसे मांगता हूँ, मुझे हर साल पैसे देते हूँ। उनका माशाल्लाह जानवर होता है 15 मन का 16 मन का, पिछले साल लिए थे 60,000, इस साल 70,000 रुपये बोले वेलकम आ जाओ। हाँ मतलब कहने 5-4 मन जानवर है, 20 मिनट में उतरेगा, 4 पीस होंगे, अब अंदाजा लगा लो 40 मिनट में गोश्त तैयार है। अगर कारीगर लोग हैं तो, अनाड़ी है तो उसका कुछ कह नहीं सकते। जैसे ये खड़े में माशाल्लाह से नहीं करना चाहिए कबाली। देखो उसने आपको बयान दिया था कसाई, वो है कसाई, हमें कसाब कुरेशी, उसने बोला था जिसके हाथ में ठेक होगी वो है जेन्युइन कसाई और कमेलदार। अब हमारे हाथ में ठेक नहीं है तो मतलब हम अनाड़ी हैं? अब हर किसी के हाथ में ठेक थोड़ी मिलेगी आपको। जो आपने बयान लिया ना जुनेद का, वो बयान हमारी किताब में नहीं है, वो है नवाब शाह का जेनियन, वो होंगे कसाई, नवाब शाह वाले, हम कसाई नहीं है। उनको यही कहेंगे ना यार, जब आप जानवर ला रहे हो 2 लाख रुपए का तो 30,000 रुपये कटाई देने में आपका क्या जा रहा है, आप कटवा रहे हो 15,000 में तो वो तो जुलूम है, ज्यादती है। अमूमन लोग जो है ना भाई, ईमानदारी की बात है, वो पैसे देने वाले पूरे भी देते हैं, जो नहीं देने वाले वो नहीं देते। तो उनको अगर अपने जानवर को अजियत करानी है, जो जानवर 50,000 में जीबा होना है वो 15,000-20,000 में जीबा कराते हैं, तो वो तो अजियत ही है ना। फिर लुलू में एक जानवर है, सुबह कट रहा है, शाम को फारिग हो रहे हैं, फिर उनको रात को मार भी रहे हैं, गालियाँ भी बक रहे हैं, उनको अमूमन पैसे भी पूरे नहीं मिल रहे, बोलते हैं उठो यहाँ से, तुमने हमारा जानवर ख़राब कर दिया। तो यार आप जो है ना, मतलब प्रॉपर जो प्रोफेशनल है, सालों साल कारोबार करने वाले, आप उनसे जीबा कराओ ना। अब तुम 15,000 वाले से कटवाओगे, हम मांग रहे 40,000, यार वो तो उनका कसूर थोड़ी है। अब 15,000 वाले से कटवाओगे तो वो तो यही काम करेगा, जो 40,000 ले रहा तो वो कारीगरी दिखाएगा, वो अपना काम करेगा, वो 1 घंटे में तैयार करेगा। अब ये जानवर सुबह कटवा रहे, शाम को फारिग हो रहे, और शाम को मतलब अगर अपना गोश्त खराब करो, शाम को उसको 15,000 भी नहीं दे रहे। नहीं बहुत टाइम है, आप मुझसे बात करो, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं अपनी तरफ से बंदा देता हूँ, मगर पैसे तो दो आप। ऋशान नाम है, फूल कुरेशी बोलते हैं, 03-12-80-54-265।